आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बेरोजगारी का दीमक युवाओं को खोखला किए जा रहा है और कौन कौन सी योजनाएं युवाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई गई तथा अब भी चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश से बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या कहना है इस विषय पर, और इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका tv30india.com में। जी हाँ दोस्तों, भारत में बेरोजगारी यानी कि बेकारी एक ऐसा दीमक है जो दिन प्रतिदिन लगने के साथ साथ बढ़ता भी जा रहा है। भारत में बेरोजगारी एक चरम सीमा पर पहुंच गई है जिसका शिकार भारत के लोग हुए बैठे हैं, और इसका दायित्व हम सरकार को मानते हैं, जबकि सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा कारण लोगों की मानसिकता, जरूरत, नॉलेज और मांग पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सरकार युवाओं पर बहुत धन व्यय करती है। तो वहीं दोस्तों, सरकार ने भारत के युवाओं को स्टार्टिंग से ही रोजगार के कई अवसर दिए हैं और कई योजना उपलब्ध कराई हैं। ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जवाहर रोजगार योजना, या फिर एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ, नेहरू रोजगार योजना, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो वहीं दोस्तों, मोदी सरकार ने भी देश के युवाओं को कई योजना उपलब्ध कराई हैं और उनका लाभ भी देश के युवाओं ने उठाया है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान पेंशन योजना, मेगा पेंशन योजना, न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री योजना, फिर चाहे जनधन योजना हो, स्किल इंडिया मिशन हो, मेक इन इंडिया योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन, इसके साथ साथ कौशल विकास योजना जैसी योजना का लाभ देश के युवाओं ने उठाया है। लेकिन इसके बावजूद भी देश में बेकारी बढ़ती जा रही है, जिसके लिए अब 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है और कहा है कि आगामी बजट में सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर जोर देगी और देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। देश एवं प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप tv30india के एंड्रॉइड ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।